प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में ये जो है पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन से चैप्टर का? फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिया है। आप उन पार्ट्स को जरूर देखें क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जरूर आएंगे और ये बिल्कुल आसान होते हैं। मीन्स अगर ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के तो आपके गारंटीड है, दैट यू विल गेट फुल ऑन फुल 5 on 5। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले 2 क्वेश्चन किए जा चुके हैं। आप लिंक में जाइए, चेक इट फ्रॉम देयर एंड डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को जरूर कीजिए। कहता है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 60, 84, 108 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ये एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये जो दिख रहे हैं आपके, दीज आर द पार्टिसिपेंट्स एंड दीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। एक चीज और, बीच में ये कुत्ते साहब आवाज कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा। सुबह 3:30 बजे ये वीडियो बनाई जा रही है तो इस कारण मॉर्निंग में वो अपनी प्रेजेंस जता रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्वेश्चन समझने से मतलब है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे। तो जो अलग अलग एजुकेटर्स हैं, यूकन से जो टीचर्स हैं मान लीजिए, वो अलग अलग हैं। मैथमेटिक्स हिंदी के कितने हैं? 60 हैं, इंग्लिश के 84 एंड मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? मींस ये एक सेमिनार चल रहा है जहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं, हिंदी के आपके 60, इंग्लिश के 84 एंड मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा 108 हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ दैम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट मैक्सिमम, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डेट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम। अब देखिए मतलब सेमिनार है, सेमिनार का मतलब यहाँ पे जो बोलेंगे वो एक्सपर्ट बोलेंगे, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बोलेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग रूम्स में इनको बैठाया जाएगा और हर एक रूम में जो ये बैठेंगे एक ही सब्जेक्ट के टीचर्स होने चाहिए। अब भाई हिंदी को मैथमेटिक्स से काम क्या है या इंग्लिश से क्या काम है? तो इसलिए अलग अलग रूम में टीचर्स को बैठाया जाना है और दे मस्ट बी ऑफ दी सेम सब्जेक्ट। मतलब हिंदी का चल रहा है सेमिनार तो सब टीचर्स जो पाएंगे वो हिंदी के पाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न है, तो हमें ये निकालना है कि कम से कम ऐसे कितने रूम की जरूरत पड़ेगी। यही है क्वेश्चन। हैंस द मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स कैन बी अकोमोडेट इन ईच रूम। नो, हमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, हर रूम में कितने एजुकेटर बैठेंगे ये निकालना है। समझ में आ गई? हर एक रूम में कितने एजुकेटर, कितने शिक्षक बैठेंगे और वो भी कैसे होने चाहिए? दे मस्ट बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। आसान है। अब मैक्सिमम बोले, पीछे के 2 क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ कैसे पहचानते हैं। मैक्सिमम बोले, हाईएस्ट बोले, जो भी ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या निकालना है जी? HCF। यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ दोज नंबर्स। आगे बात समझ में? तो हिंदी के कितने टीचर्स थे? हिंदी के टीचर्स थे आपके 60। ठीक है, तो सबसे पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मैं रफली कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिख के इसको कर लेंगे। फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप करना जानते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 60 का करूँ, अगर मैं 60 का करूँ यहाँ पे, तो 60 का क्या होगा? 2, 3, 0, 2, 15,
5 और 5, समझ में आ गई बात। ये 60 का है तो आप 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बात समझ में आ गई। और जब भी मैं ये करता हूं तो आपको हमेशा निवेदन करता हूं कि आप इस फॉर्मेट में जरूर लिख लें, पावर्स की फॉर्मेट के, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 एंड 5 to the power। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आप जो दूसरा सब्जेक्ट था डेट वॉज ऑफ वॉट, डेट वॉज ऑफ इंग्लिश, उसके भी लिख लीजिए। इसका अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे 2 into 2 into 3 into 7। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए और ये आपका क्या आएगा, ये आएगा जी आपका 2 to the power 2 into 3 into 7। समझ में आ गई बात। चेक कर लेते हैं, 2 to the power 2 क्या होता है, 4, 4 into 3 12, 12 into 7 84। नाउ द नेक्स्ट इज 120, वो 108, ठीक है ना, 108। क्या क्या आएगा इसका देखिए, 2 into 2 2 into 2, 3 into 3 3 times, 3 into 3 into 3, and overall you will get 2 to the power 2 and 3 to the power 3 means 2 to the power 4, and 4 and 27 into 4 कितना होता है, 108। इस फॉर्मेट में लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द SCF, सो SCF ऑफ द नंबर दैट इज 60 84 and 108, इन सभी का जो SCF होगा क्या होगा। देखिए SCF करते समय मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है, कुछ भी नहीं करना होता है, बिल्कुल ये ध्यान से, जो पावर वाले नंबर्स है ना, इन नंबर्स में SCF में जो सबसे कम, लोवेस्ट, सबसे कम प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं तीनों में कॉमन, SCF में क्या करते हैं, तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, पावर तीनों में कॉमन है। जैसे मैं 2 देख रहा हूँ, तीनों में है कि नहीं है, है। और इनकी सबसे कम पावर क्या है, वैसे तो सब पे 2 ही है, लेकिन सबसे कम पावर होती है वो नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, ये लिख लिया आपने। नाउ अब आ जाइए 3 पे, 3 में कॉमन है, तीनों में ही होना चाहिए, जितने होते उतने में भी होना चाहिए, 3 सब में है, बट वट इज द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 to the power 1, तो हमने लिख दिया 3 to the power 1। और फिर तीनों में कॉमन होना चाहिए, 5 कॉमन है क्या तीनों में, नहीं, 7 है, नहीं, so its answer will be 2 to the power 2 is 4 into 3, that will be 12। तो कहने का मतलब हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट बैठे हैं एंड दे आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना। क्यों ऐसा क्यों बनाया, कि भाई अच्छा दिखना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए, उस तरीके से तो तीन रूम में इस काम समाप्त कर देते, वो कैसे समाप्त कर देते, बोलते एक में 60 के साथ हिंदी वाले बैठ जाओ, फिर इंग्लिश वाले बैठ जाओ 84, और एक में बैठ जाओ 108 मैथ्स वाले। लेकिन एक तरीके से बैठाना है, उनकी कैपेसिटी देख के बैठाना है, सो वो क्या करेंगे, SCF निकाल लेंगे कि भाई मैक्सिमम बंदे 12 12 आएंगे, 12 का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक भी बंदा छूटेगा भी नहीं, और सारे बंदे बैठ जाएंगे अलग अलग रूम, समझ में आ गई। लेकिन हर एक रूम में कितने बंदे हम चाहिए, 12 12 मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। सो सिंपल, मतलब हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट है ना, तो हमें ज्यादा ज्यादा कितने रूम चाहिए, कम से कम कितने रूम चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स को बैठाने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, यू नो पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इन हिंदी पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी लिख लेंगे 7, पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश, ये मतलब आप अच्छे से लिख लेंगे 84, एंड पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स दैट आर 108। नाउ अब ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, अब रूम्स की संख्या निकालनी है भाई, तो आप सबसे पहले तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कर लीजिए, टोटल पार्टिसिपेंट पहले तो हमें पार्टिसिपेंट्स का ब्यौरा दो कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। व्हेन विल ऐड, विल गेट 252, 8 6 12, और ये 8 से 14 1 15, और ये 2 कह दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ गया। अब हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रूम्स इस प्रकार से आएगा, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं ये फॉर्मूला लिख देंगे 252, और एक रूम में कितने बंदे बैठ सकते हैं दैट आर 12,
तो ये कितना आएगा, 12 2 जा 24 और 2 1 पे आ जाएगा, है ना, 12 1 जा 12, तो ये आपके कितना हो गए, 21 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दिस सेमिनार। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। 12 रूम चाहिए, कितने रूम चाहिए जी, 12 रूम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कह रहे द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, ये तो सरल है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप निकालना जानते हैं, एलसीएम जानते हो कि नहीं, निकालना जानते हो, लेकिन क्वेश्चन कहाँ चला। देखिए एलसीएम कैसे आएगा, सिंपली एलसीएम निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो पहले लिखा हुआ था 60 का, 84 का और 108 का, विल राइट दोज प्राइम फैक्टराइजेशन। 60 का क्या था भाई, ऊपर देख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का क्या आया था, आई थिंक 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड इसका क्या आया था, 108 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। नाउ एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालते हैं तो ये आप भी जानते हैं, व्हेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ द नंबर्स, ये कोमा लगा के इसमें लिख दिया कीजिए कि आप एलसीएम निकाल रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग आउट एलसीएम ऑफ विच नंबर्स। एलसीएम बोल, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, कम, लेकिन पावर लो ज्यादा, उल्टा होता है इसमें, पावर लो ज्यादा और तीनों में कॉमन होना चाहिए। एक बार ऐसे देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगी। फिर तीनों में कॉमन क्या है, 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3 है, यही लेंगे। फिर और क्या कॉमन है, और कॉमन कुछ भी नहीं है, बचे हुए भाई लोग हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, उनको भी लिखना है। एलसीएम में यही तो खासियत होता है, बच्चे खुचे सबको लेके चलता साथ में, आई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 2 की पावर 2 4 27 35। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3780, क्या आ जाएगा, 3780, और इस पे आपका निशान लगा लीजिए 3780। ऊपर भी ऑप्शन थे तो उस पे भी निशान लगा लीजिए, 21 आएगा इसका, और सबसे पहले का क्या आया था, 12 आएगा। समझ में आ गई बात, है ना सर। अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ दिस नंबर। हमने दो चीज निकाल दिया, आसान है, सबसे ऊपर निकाला एस सी एफ एंड एल सी एम, इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है जनाब। तो एस सी एफ और एल सी एम क्या आएगा, एस सी एफ क्या था आपका, 12 आया था, और एल सी एम क्या आया था, एल सी एम, एल सी एम आपका आया था 3780। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, 3780 को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई एंड यू गेट 4 5 3 6 0 4 5 3 6 0 4 5 3 6 0 मीन्स डी इज योर आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ, 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आसान है, 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 3, ठीक है ना। तो आप इसको मतलब 2 की पावर कितनी होगी, 2 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, तो देखो ऑप्शन है क्या, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और भी है क्वेश्चन नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए बिल्कुल इजी सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया था, और आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। प्यारे बच्चों यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जल्द ही जो इंग्लिश है, इंग्लिश सीबीएसई 2022 का जो पेपर है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद ग्रामर का जो भी सेक्शन है, ग्रामर का जो भी सेक्शन है विल डिस्कस। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। मोर ओवर
सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास सभी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी दुरुस्त करते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदी, नमस्कार।